जोहार, जय मूल निवासी। मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएनटीवी। एमएनटीवी की तरफ से एक नई सीरीज शुरू की गई है जिसका नाम है थॉटकास्ट। आमतौर पर थॉटकास्ट पर मैं और कुमार काले सर, जो कि एमएनटीवी के चीफ एडिटर है, हम दोनों किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं और चर्चा करके उस मुद्दे के जितने भी सारे एस्पेक्ट्स है, बहुजन समाज पर उसका क्या कुछ असर होगा, किस प्रकार से वो शुरू हुआ, बहुजन समाज के लिए क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है, और बहुजन समाज के लोगों ने, खासकर बुद्धिजीवी लोगों ने, इस मुद्दे पर किस प्रकार से सोचना चाहिए, इन सारे बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। आज हमारे साथ कुमार काले सर तो है ही है, लेकिन उनके अलावा हमारे साथ एक गेस्ट है जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, द न्यूज बीक के फाउंडर और चीफ एडिटर सुमित चौहान सर। मैं उनका स्वागत करता हूं, कुमार काले सर का भी मैं स्वागत करता हूं। आज के हमारे थॉटकास्ट का सब्जेक्ट है सोशल मीडिया पर या डिजिटल मीडिया पर सरकार ने जो पाबंदियां लाने की बात कही है या उसको रेगुलेट करने की बात कही है, उसका बहुजन समाज पर क्या असर होगा, बहुजन समाज ने इसे किस प्रकार से देखना चाहिए और समझना चाहिए। शुरुआत करूंगा मैं सुमित चौहान सर से। सर, इंटरनेट पर पाबंदियां लगाने वाले जो देश है, उन देशों में भारत उभरता हुआ देश नजर आ रहा है। हाल ही में हमने देखा कि 370 जब कश्मीर से हटाया गया, उस वक्त वहां पर पाबंदियां लगाई थी, करीबन 18 महीने से ज्यादा वहां पर इंटरनेट बंद था। अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, वहां पर भी इंटरनेट बंद कर दिया गया, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल करने के लिए, और एमएनटीवी के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम और जोहार। आपका जो सवाल है वो बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है, और जैसा आप बता रहे हैं कि दुनिया भर में इंटरनेट पर जो पाबंदी का मसला है उसमें भारत संभवतः पहले नंबर पर आता है। जितनी ज्यादा संख्या में यहाँ इंटरनेट बंद किया जाता है, उतना किसी दुनिया के देश में नहीं होता इंटरनेट को बंद कर। कुछ भी हो जाता है, जरा सा कुछ प्रोटेस्ट हो, कोई भी इस तरह का सरकार से सवाल करने की जब एक कहीं से आवाज उठती है तो तुरंत इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है, और कोशिश होती है कि जो सच्चाई है वो सामने ना आ पाए। और उसी कंटेक्स्ट में जो अभी भारत सरकार के जो नई गाइडलाइंस आई हैं बेसिकली, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सरकार जो अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड जो है, रूल्स 2021 वो नाम से लेके आई है, तो उसका अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो जैसे सरकार कह रही है कि भाई हमको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक रेगुलेशन लाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे कंटेंट को कोई मॉनिटर करने वाली, कोई सेंसर करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये सुनने में यहां तक तो ठीक लगता है कि जिस तरह से सेंसर बोर्ड है जो फिल्मों को सर्टिफाई करता है, कुछ आपत्तिजनक सीन है तो उसको हटाने या डायलॉग्स को हटाने की बात करता है, वहां तक वो समझ में आता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात जो है प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, वो ये थी कि जो सोशल मीडिया के जरिए जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो डिजिटल जर्नलिज्म कर रहे हैं, उन पर भी एक तरह का रेगुलेशन और जो है मीडिएटरी इंटरमीडिएटरी जो है वो लागू की जाए, एक कोड ऑफ कंडक्ट जो है एथिक्स का वो लागू किया जाए और उनके लिए नियम कायदे बने। तो जिस तरह से टीवी प्रिंट मीडिया पे नियम और कायदे लागू किए जाते हैं, उनको उनके ऊपर केस किया जा सकता है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है, उनकी जांच की जा सकती है, उनसे कंटेंट हटाने की मांग की जा सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तमाम तरह के जो नियम से जो रूल्स हैं वो टीवी मीडिया और इस पे लागू होते हैं। तो उसको उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जर्नलिज्म करने वाले जो जो भी छोटे मोटे संगठन हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं, उन पर भी लागू करने की एक बात कही है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि आप जिस चीज को लेके आए हैं, आपका दावा है कि आप कंटेंट को मॉनिटर करेंगे, आप एक अच्छा अकाउंटेबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बनाएंगे और यूजर फ्रेंडली, और उनको सेल्फ रेगुलेशन का फॉर्मूला आप दे रहे हैं, लेकिन नीयत क्योंकि हमें गड़बड़ लगती है थोड़ी सी आपकी, कि आपका इरादा कुछ और है। तो हमारी आशंकाएं अभी ये हैं कि दरअसल इसके जरिए आप जो सोशल मीडिया के जरिए आप जैसे हमारे जैसे जो चैनल्स हैं, जो पोर्टल्स चलते हैं, जो सच सामने लाने की पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टीवी मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो दूसरे डिजिटल मीडिया वेंचर्स भी हैं वो सरकार की कठपुतली हैं, ये सब हम जानते हैं, इसमें कोई अभी लुकी छिपी बात नहीं है। मीडिया हाउस कैसे काम करते हैं हम सब जानते हैं, किस तरह का एजेंडा प्रोपेगेंडा करते हैं वो सब बात। अब देखिए, किसानों को वो लोग गद्दार कह रहे हैं, देशद्रोही, खालिस्तानी और जाने क्या क्या नाम देके वो पूरा कैंपेन, एक मिस कैंपेन, एक एजेंडा सेटिंग का वो काम कर रहे हैं। उसी दौर में
आप जैसे छोटे छोटे चैनल हैं, द शूद्रा, द न्यूज वीक, अब हमने नाम बदल दिया है, द न्यूज वीक जैसे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल है, तो हम लोग वहाँ फील्ड में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और उनकी सच्चाई जो है वो लेके आते हैं। मुझे याद है मैं गाजीपुर बॉर्डर पर एक रात जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, तो एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी, उन्होंने मेरे को माइक देख के कहा, हाथ जोड़ लिया उन्होंने, बाकायदा हमारे यहाँ पे वीडियो है उसका, कि सारी मीडिया जो है वो बिक चुकी है, वो हमारी बात नहीं करती है, लेकिन आप हमारी बात पहुंचाइए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है मिस इन्फॉर्मेशन हमारे नाम पे फैलाई जा रही है। तो ये एक बड़ा नैरेटिव सेट कर रहे हैं जो सोशल मीडिया के जरिए जर्नलिज्म करने वाले लोग हैं, वो मुख्य धारा के मीडिया को, मनुवादी मीडिया को वो खुली चुनौती देते हैं, और जो वो वहां पे एजेंडा सेट करते हैं उसका खंडन यहाँ पे कर दिया जाता है। वो खालिस्तानी लोगों को बताते हैं, तो हम जाके वहां बताते हैं कि देखिए यहाँ पे कैसे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और अपने हक के लिए कितने कठिन मौसम में, सर्दी में, बारिश में वो वहां बैठे हुए हैं। हम उनके संघर्ष को दिखाते हैं, उनकी बात को उठाते हैं। इसी तरह तमाम जो दूसरे आंदोलन है, बहुजन आंदोलन की आप बात करें, 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ, तो वो पूरा सोशल मीडिया का एक तरीके का एक आंदोलन था जो सामने लेके आए हैं। और अब ये चैलेंज बन गया है सरकार के लिए कि आप टीवी तो आप कंट्रोल कर ले रहे हैं, उसके एडिटर को तो व्हाट्सएप चैट ली, कोई सब जानते हैं किस तरह की व्हाट्सएप चैट चल रही थी, तो वहां तो आप मैसेज डाल देंगे कि आज का एजेंडा ये है, इस पे तुम बहस कराओ, ये वाली खबर मत दिखाओ, प्रिंट वाले को फोन कर देंगे। लेकिन आप सोशल मीडिया पे सुमित चौहान को कैसे बोलेंगे कि ये वाली खबर मत चलाओ, या संकेत को कैसे बोलेंगे कि इस वाले पे वीडियो मत बनाओ। तो ये एक उनके लिए चैलेंज है, और ये पूरी कवायद जो है कुल मिला के उसी को कंट्रोल करने की कोशिश हमें लगती है कि लेबल अलग कर दीजिए, नाम अलग कर दीजिए, ओटीटी और तमाम ये चीजों का हवाला दे दीजिए, लेकिन असली मंशा ये है कि जो सोशल मीडिया के जरिए सच्ची पत्रकारिता जो कर रहे हैं उसको किसी ना किसी तरीके से रोक लगाई जाए। जी कुमार काले सर से मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि इंटरनेट पर पाबंदी लगाने की बात है, उसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आए दिन हम लोग देखते हैं कि व्हाट्सएप पर किस प्रकार से एक मैसेज पहले सभी ग्रुप्स में फॉरवर्ड किया जा सकता था, अभी 5 ग्रुप्स की उसमें लिमिटेशंस लगाई दी गई है और तमाम प्रकार के जो रिस्ट्रिक्शंस है। अभी ट्विटर का ही मामला उठाकर देख लीजिए, केंद्र सरकार ने ट्विटर को कहा कि 1200 से ज्यादा जो अकाउंट्स है उनको बंद करवा दीजिए। हालांकि ट्विटर ने पार्शली उस बात को माना, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी बात को नहीं माना, पार्शली बात को माना और 500 से ज्यादा ट्विटर अकाउंट्स को ट्विटर ने बंद कर दिया। तो सोशल मीडिया पर भी पाबंदियां लगाने की बात हो रही है, तो क्या मैं कुमार काले सर से जानना चाहता हूँ, क्या ये डिसेंट को, विरोध की जो आवाज है उसका गला घोटने का ये काम मोदी सरकार के राज में हो रहा है? शुक्रिया संकेत, आज इस महत्वपूर्ण मीटिंग को एमएन टीवी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। चौहान साहब का भी एमएन टीवी पर स्वागत है। जिस मुद्दों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें सोशल मीडिया के ऊपर जो रेगुलेशंस की जो बात है, तो जाहिर है कि सरकार की नीति पर नहीं नीयत पर हमारा सवाल है, क्योंकि सरकार की ना नीति और ना नीयत बहुजन समाज के समर्थन में है। खास तौर पर पिछले 6-7 सालों से, जब से ये जो मोदी सरकार है ये सत्ता में आई है, लगातार इंटरनेट को बैन करने की जो साजिश है वो चलती रही है। देश और दुनिया में हम लोग देखते हैं कि जहां कहीं भी विरोध की आवाज है उसकी सुनवाई होती रही है। डेमोक्रेसी में डिसेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है, वही तो डेमोक्रेसी है जहां इनकार का अधिकार है, ना कहने का अधिकार। पर आज किसी भी स्तर पर ये जो डिसेंट वॉइस है या सरकार के विरुद्ध जो भी कोई बात है, सरकार उसे पूरी ताकत करके रोकने की बात कर रही है। और केवल सरकार ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बड़े पैमाने पर शामिल हो रही है। पर एज एन पार्टी, एज एन गवर्नमेंट माउथपीस के तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी इन चीजों में शामिल हो रही है। एक दो मामूली ट्वीट भी सुप्रीम कोर्ट की जो सारी व्यवस्था है उसको हिलाने की बात होती है और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर सामने आकर बात करता है। ये बड़ी गंभीर बात। देश में मोदी सरकार के द्वारा काफी सारे लोगों के ऊपर केसेस दायर हुए, मगर उनमें किसी की भी बात सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुनी। मगर अर्णब गोस्वामी के मामले में एकदम से सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आता है और एक दिन में उसका फैसला सुनाया जाता है, तो हम समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी इन सारी चीजों में किस तरीके से एक रोल निभाने का काम कर रहा है। और सरकार सारी चीजों को नियंत्रित करना चाहती है। प्रेस तो पहले से ही नियंत्रित है, मीडिया जो एस्टेब्लिश मीडिया है जिसको हम रामन बनिया मीडिया कहते हैं, वो तो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में है।
और जो एक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है कि सही मायने में हम ये कह सकते हैं कि जो रियल वॉइस है लोगों का, जो इस देश का जो वंचित तबका है, बहुजन समाज है, उसकी आवाज बन चुका है, उसको नियंत्रित करना उनके लिए मुश्किल हो चुका है, क्योंकि इसका एक्सेस बहुजन समाज के अंदर बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। और कल तक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुजन समाज की उपस्थिति लगभग ना के बराबर थी, आज उसकी जो उपस्थिति है वो बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। तो कल तक फेसबुक या यूट्यूब का इस्तेमाल जो है वो केवल एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा था, मगर आज उसका उपयोग जो है वो एक पत्रकारिता के लिए, जानकारी लेने देने के लिए कर रहा है। तो एक बहुत बड़ी ये बात है और उसकी उपस्थिति वहां पर इनके लिए एक समस्या बनी। ट्विटर पर भी हमने देखा कि ट्विटर पर भी बहुजन समाज के लोग जो ट्रेंड चला रहे वो बहुत ज्यादा आगे आ रहा है, नेशनल ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है। राम मंदिर के मामले को लेकर या अयोध्या का फैसला जो आया था 5 अगस्त को, जो काला दिन का जो हैशटैग चलाया गया था वो तो ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया था। तो आज बहुजनों की संख्या ही इतनी है कि वो एक झटके में किसी एक चीज को नेशनल ट्रेंड में कन्वर्ट कर सकते। अब इसको नियंत्रित करने के लिए उन्होंने ये सारी पॉलिसीज बनाने की बात कही है। अब शुरू में तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे मुद्दे उठाए कि राइट्स को कंट्रोल करना है, फेक न्यूज को कंट्रोल करना है, महिलाओं के सम्मान की बात उसमें कही है, सेल्फ रेगुलेशन की बात कही है। ये तो अच्छी बात है, इसमें हम लोग किसी भी तरीके से इसकी विरोध में नहीं है, मगर इनके आड़ में जो बातें खड़ी की जाएगी और एक एक चीज को सरकार मॉनिटर करने की जब बात कहेगी तो इसका सीधा असर जो है वो बहुजन समाज की जो पत्रकारिता है उस पर हो। जैसे हमने देखा कि रिसेंटली ट्विटर को सामने लाकर कहा गया कि आप ट्विटर के ऊपर जो मुद्दे उसको डिलीट करो, तो सरकार तो फिर हर छोटी चीज को जो उसके विरोध में खड़ी होगी उसको कंट्रोल करने की बात कहेगी और एक तरह से जो विरोध में जो आवाज जा रही है वो खत्म होगी। 552 दिन से ज्यादा समय तक कश्मीर में इंटरनेट बंद रहा, सस्पेंड रहा। टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर हो, सिंधु बॉर्डर हो, वहां पर सरकार ने नेट पर पाबंदी लगाई ताकि किसानों की आवाज ना पहुंचे, और उसी समय किसानों को बदनाम करने वाली जो आवाज है वो 24 घंटे लोगों तक पहुंचाई जा रही। अगर किसानों के आंदोलन को आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहे ये बात समझ सकते, तो फिर 24 घंटे मीडिया उसके ऊपर जो है उस आंदोलन को डिफेंड करने की बात क्यों कह रहे। और एक ही आवाज जो है वो जो सरकार की जो आवाज थी वही मीडिया के द्वारा पहुंचाई जा रही है, तो ये तो मीडिया की आवाज तो है। मीडिया से जो उम्मीद है कि वो वॉइसलेस लोगों की वॉइस बने, ये तो जो पावरफुल लोगों का जो वॉइस है वही लोगों को सुनाया जा रहा है, उसी को कहा जा रहा है कि ये देश की आवाज है। इंडिया वॉन्ट टू नो का जो मुद्दा है या जो सवाल पूछा जाता है वो सवाल देश का सवाल है ही, इसलिए जो मुद्दा है कि सरकार रेगुलेशन के नाम पर इन अथॉरिटीज का इस्तेमाल गलत तरीके से करेगी। इससे पहले भी उन्होंने किया हुआ, जब सेंसर बोर्ड था वो सेंसर बोर्ड में भी बहुत सारी बातों पर जो आवाज उठानी चाहिए थी या जो समाज के हित वाले जो मुद्दे चाहे फिल्में हो या मीडिया में उसको रिस्ट्रिक्ट करके रखा हुआ। इसलिए इसके विरोध में लोगों को जानकार बनाने की जरूरत है। जी, जहां तक सो कॉल्ड जो नेशनल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है उसकी बदमाशी लोग समझ रहे, बहुजन समाज के लोग बखूबी से समझ रहे, किसानों को भी अभी समझ में आ रहा है, लेकिन उनके पीछे ये बदमाशी जो हो रही है उसके पीछे के कारणों को बहुजन समाज के लोग अभी तक नहीं समझ पाए। वो बीजेपी और आरएसएस से इन मुद्दों को जोड़ रहे, जैसे मोदी सरकार जो है वो मीडिया को कंट्रोल कर रही है या अडानी अंबानी ने वो चैनल सारे खरीद लिए हैं, यहां तक ही लोगों की बात जो है समझ में आ रही है। इसके पीछे और क्या कारण है? मैं सुमित चौहान जी से पहले जानना चाहूंगा। जी देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो हैं अपनी किताब गांधी रनाडे और जिन्ना में वो लिखते हैं कि जो मीडिया है। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब गांधी रनाडे और जिन्ना में लिखते हैं कि जो मीडिया है वो बेसिकली इतना ताकतवर है कि वो जिसको चाहे हीरो बना दे और जिसको चाहे उसको विलेन साबित कर दे, बाबा साहब ने लिखा है। और ये प्रचार तंत्र जो है वो इट शेप्स योर माइंड, वो आपके सोचने के तरीके को, आपके विचार को, आपके जो एरिया है कि आप कितने एरिया का सोच पाएंगे, आपका लेवल क्या होगा, वो उसको शेप करता है, वो इट शेप्स योर माइंड एक्चुअली। तो मीडिया और पूरे प्रचार तंत्र ने इतनी सारी चीजें प्रभावशाली ढंग से कंट्रोल की हुई हैं, लोगों के दिमाग को कैप्चर किया हुआ है, उसी का ये परिणाम है कि लोग बहुत ज्यादा साजिश में
फंसे हुए हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली एजेंडा क्या चल रहा है ना। तो वो रीजंस हैं प्रचार तंत्र के। अब सोशल मीडिया पे हम देखें तो पूरे आईटी सेल बैठे हुए हैं, सैकड़े सैकड़ों हजारों लोगों की टीम है जो दिन भर तमाम तरह के दुष्प्रचार के एजेंडा चलाते हैं, हैशटैग चलाते हैं, मीम्स बनाते हैं, अचानक से कुछ भी आता है और उस पर सैकड़ों हजारों मीम्स आ जाते हैं, उस पर कंटेंट सोशल मीडिया पे बाढ़ आ जाती है। तो वो कहाँ से आता है? देयर इज अ टीम हु इज वर्किंग बिहाइंड, तो वो पूरा उसको फ्लो करते हैं और इसी तरह से वो प्रचार तंत्र के जरिए लोगों के दिमाग को कंट्रोल करते हैं। इसमें बहुजन समाज ये है कि हमारे पास काबिल लोगों की संख्या कम है जो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को समझते हुए और लोगों को वो समझा पाए। हमारे यहाँ कम ऐसे लोग हैं आईटी फील्ड के, या फिर जर्नलिज्म में कुछ ऐसे बड़े नाम नहीं हैं, बहुत कम लोग हमारे हैं इस पूरे इंडस्ट्री में जो कि ओपिनियन मेकर की भूमिका निभा पाए। अभी देखिए हम सोशल मीडिया पे ट्विटर जो है उसको हम नंबर वन ट्रेंड अपना करा पाते हैं, तो हम एक ओपिनियन मेकर की भूमिका में हम ट्विटर पे आए हैं कि हम जो चाहें अपने मुद्दों से जुड़ा हुआ, चाहे वो कास्ट बेस्ड सेंसस हो या फिर राम मंदिर का मसला हो या जो तमाम हम दिन भर ट्रेंड चलाते रहते हैं। तो साल भर पहले तक ऐसा नहीं था। ट्विटर पे आप देखें तो जो तमाम लोग थे जिनके सरनेम एक जाति विशेष के थे उनके सबके अकाउंट जो है उनको ब्लू टिक ट्विटर दे देता था, वेरीफाई कर देता था और हमारे लोगों को नहीं मिलता था। तो दर्जनों वीडियो बनाए, मैंने भी बनाए, नितिन मेश्राम हो या फिर दिलीप मंडल साहब हो, आप लोगों तमाम लोगों ने इतना कैंपेन किया या कास्टिस्ट हैशटैग जो है वो चलाया ट्विटर के अगेंस्ट में, उनके ऑफिशियल्स को हम लोगों ने सीधा नाम लेके हैशटैग चलाए कि आप लोग कास्टिस्ट हैं, आप हमारे लोगों को ब्लू बेल्ट क्यों नहीं देते हैं, आप किसी को भी दे देते हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं जो पूरे प्रचार तंत्र को कंट्रोल कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि हमारे लोग जो हैं वो उनमें जागरूकता आए। 2 अप्रैल का आंदोलन जो है वो ऐतिहासिक है, बिना किसी चेहरे के, बिना किसी नेता के, बिना किसी राष्ट्रीय कॉल के, और सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए जो है इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पे आए कि सरकार को SC ST एक्ट में संशोधन करना पड़ा और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको पलटना पड़ा। तो वो एक बहुत बड़ी इतिहास की बात है कि इतना ये बड़ा परिवर्तन क्यों आया, क्योंकि सोशल मीडिया पे लोगों ने उसको मोबिलाइज किया, पीपल वर राइटिंग अबाउट इट, वो उसको आसान भाषा में समझा रहे थे, वो चीजों को जो है फिल्टर कर रहे थे वहां पे कि ये इसका मतलब क्या है ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। तो ये बहुजन समाज अब धीरे 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 इन चीजों को समझ रहा है। हर रोज हमारे लोग जो है वो नया मोबाइल खरीदते हैं, नया इंटरनेट कनेक्शन खरीदते हैं और वो सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट्स बना रहे हैं। हमारे लोग तो अभी आना शुरू हुए हैं ना, अभी 30-35 करोड़ लोग हैं सोशल मीडिया पे, उसमें हमारी संख्या बहुत कम है, राइट। तो हमारे लोग अभी आना शुरू हुए हैं, वो धीरे धीरे अपनी स्पेस बना रहे हैं। अब देखिए सोशल मीडिया जब जिन कंपनियों ने ये शुरू किया उन्होंने इसलिए तो शुरू नहीं किया था कि आप जर्नलिज्म करें यूट्यूब के जरिए या फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, उन्होंने तो ये नहीं किया, उन्होंने तो अपना बिजनेस मॉडल पे वो काम कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि बहुजन समाज ने चतुराई से क्रिएटिव तरीके से उसका फायदा उठा लिया और उसको एक जर्नलिज्म का अपना तरीका बना लिया। अब देखिए हाथरस की घटना हुई, किसी मीडिया चैनल ने नहीं दिखाया, तमाम हमारे चैनलों ने, हमारे लोगों ने सोशल मीडिया पे लेके आया और फिर वो एक नेशनल मुद्दा बन गया। अभी उन्नाव की घटना हुई, उन्नाव में हम लोग गए, वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की, वहां कोई चैनल नहीं था जब हम गए वहां पे, किसी कोई एक रिपोर्टर चैनल का नहीं था। तो जो इस तरह के मुद्दे थे जिनको दरकिनार कर दिया जाता था, जिनको एक तरीके से बाहर कर दिया जाता था डिस्कशन से, अब वो धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। अभी एजेंडा सेटिंग उन लोगों की नहीं हो रही। अब देखिए हजारों लोगों की IT सेल है बट दे कैन नॉट सेट द एजेंडा राइट नाउ, उनका फेलियर हो रहा है, उनको वहां डांट पड़ती होगी जो उनके हेड हैं टीम के कि आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अब उनको डांट पड़ती होगी। पहले वो पूरा कंट्रोल करते थे कंटेंट को, लेकिन अब हमारा आदमी जैसे ट्विटर पे आया, एक पूरी फौज हमारी तैयार हो गई है धीरे धीरे कि यार एक कॉल आती है कुछ हमारा नेशनल इंटरेस्ट का है, सेव रिजर्वेशन, स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, UPSC चोर है, इस तरह के तमाम हैशटैग जो है वो एक घंटे आधे घंटे में नेशनल ट्रेंड पे आ जाते हैं। तो दिस इज अ ह्यूज ह्यूज चेंज ऑन सोशल मीडिया डायनेमिक्स एक्चुअली। और सरकार को मुझे लगता है इसी से खतरा है, उनको लगता है कि अगर ये समझ गए, अगर इनको ये बात आ गई कि यार दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां आप इसको यूज करते हुए और अपने मतलब की बात कर सकते हैं, वहां पे कूड़ा बहुत है, बहुत कूड़ा चलता है सोशल मीडिया पे, लेकिन हमारा आदमी तो कूड़े के अंदर से बीन के अपने काम की चीजें निकाल लाता है ना, मेहनत कर सबका है हमारा, तो वो तो अपने काम की चीज निकाल के ले आ रहा है वहां से। सोशल मीडिया को अभी एक हथियार बनाया
अब वो हथियार सरकार के जब सवालों पे उसको घेरता है, उसके जो पूरे एजेंडा है, जो राजनीति है, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है, तो उनको एक चुनौती मिल रही है बेसिकली। और हमारा आदमी जब चुनौती पेश करता है तो सबसे पहले आता है कि यार इसकी जो है ना, इसको इसके रास्ते बंद कर दो, इसको कंट्रोल करो। और ये पूरी जो पॉलिसीज हैं, ये बेसिकली नाम डिजिटली उन्होंने कंट्रोल करने का, सेल्फ रेगुलेशन का, ओटीटी का दिया है, जैसे मैं पहले बता रहा था। लेकिन हमें, क्योंकि सरकार की जो मंशा है उस पे हमें संदेह है, हमें आशंका है, हम भी चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से भड़काऊ बयानबाजी होती है, गाली गलौज का कंटेंट आता है, एक महिलाओं के खिलाफ दुष्प्रचार होता है और अश्लील कंटेंट भी उसमें परोसा जाता है, तो उस पर एक लगाम लगे, एक कंट्रोल हो, एक सेंसिबल तरीके से हो, एक सेल्फ रेगुलेशन हो, यूजर को वेरीफाई करें। आप कोई भी, अब देखें ट्विटर पे हजारों हजारों अकाउंट ऐसे हैं जिसमें फोटो किसी की लगी है, उल्टा सीधा नाम है, और वो कुछ भी दिन भर नफरत फैला रहे हैं, तो उसको सेल्फ वेरिफिकेशन का ऑप्शन दें, मोबाइल नंबर रजिस्टर करें, और वो तमाम उस तरह से चीजों को जो है ना एक कंट्रोल्ड करें, कि जिससे फेक न्यूज से हम लोग बच सकें। मॉब लिंचिंग देखे, फेक न्यूज से कितना बड़ा, उस पर कंट्रोल हो, वो उस एजेंडा को, जो फेक न्यूज वाला जो नफरत का एजेंडा है, उस पर लगाम लगे, हम भी चाहते हैं। लेकिन उसको फैला कौन रहा है, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, कि वो जहां से आ रहा है वही लोग नीतियां बना रहे हैं, तो जो नीतियां बना रहे हैं उनकी टीम और आईटी सेल वालों की, और वो पूरा उसको ड्राफ्ट करने वाले लोग तो एक ही टीम के हैं। तो फिर हमें थोड़ा शक हो जाता है कि जब एक ही टीम के खिलाड़ी खेलेंगे तो फिर वो अपने हिसाब से ही जो है दायरा तय करेंगे कि कहाँ पे बॉल जाएगी वहां छक्का होगा, तो वो हमको थोड़ा सा जो है डर लगता है इसमें जी। लेकिन सवाल अभी भी मेरा ये है कि सवाल को थोड़ा दूसरे शब्दों में मैं ये करता हूँ कि मोदी सरकार यानी बीजेपी की सेंट्रल में गवर्नमेंट बनने से पहले क्या मीडिया सही काम कर रही थी? क्योंकि आम तौर पर अभी जो मीडिया की तरफ देखने का नजरिया बना है, मैं मेनस्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ, आपका भी अनुभव रहा जब आप गाजीपुर बॉर्डर पर गए, तब आप एक बुजुर्ग किसान ने आपको कहा कि सारी मीडिया हमारे बारे में गलत बात कह रही है। तो क्या ये मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद या बीजेपी की केंद्र में सरकार बनने के बाद ही हुआ है, या पहले कांग्रेस के कार्यकाल में मीडिया सही तरीके से काम कर रही थी? जी देखिए, ये इसमें कोई दोराय नहीं है, इसमें कोई, जैसे मैंने बाबा साहब की कोट की आपको, तो वो उन्होंने 100 साल पहले वो अपने काम करते हुए वो लिख रहे थे, जब उन्होंने, बाबा साहब ने अपनी जीवन के 35-36 साल जो है वो जर्नलिज्म में बिताए। क्यों बिताए? क्योंकि उस समय भी मीडिया जो है वो उनकी बात नहीं करता था। मूक नायक का विज्ञापन उन्होंने केसरी में भेजा, जो तिलक जो है वो तिलक चला रहे थे, चलाते थे, उनको बोला कि आप हमारा विज्ञापन छापिए, मैं आपको पेमेंट करूंगा, आई विल पे यू फॉर दिस एडवर्टीजमेंट, जो भी आपका रेट होगा मुझे बताइए। उन्होंने छापा नहीं, क्यों? क्योंकि बाबा साहब जो है वो वंचित समाज की बात कर रहे थे। तो 100 साल पहले जो मीडिया का चरित्र था, आज भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऑक्सफैम न्यूज लॉन्ड्री का अगर आपने सर्वे देखा हो तो 121 जो न्यूज रूम की पोस्ट है उसमें से 106 पोस्ट जो है वो अपर कास्ट लोगों के पास हैं। एक भी दलित एंकर नहीं है किसी न्यूज रूम में, एक भी दलित एडिटर नहीं है किसी न्यूज रूम में, ओबीसी के लोग नहीं है, माइनॉरिटी के लोग नहीं है, तो हमारा वहाँ प्रतिनिधित्व नहीं है। तो मीडिया तो हमेशा से उसका चरित्र ऐसा ही था सत्ता के साथ में, और ये कहना कि मोदी सरकार आई है इसलिए वो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। वो पहले से ऐसा था क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाले, उसको चलाने वाले लोग जो हैं वो एक खास बिरादरी के लोग हैं, और उनको उस समय शायद इतना खुले तौर पे सपोर्ट नहीं मिलता था, जो हिंदुत्व का जो पूरा एक प्रचार है, जो हिंदू राष्ट्र का जो सपना है, और उनको लगता है कि दिस इज द मैन जो हमारे सपने को सच कर सकता है ना, तो वो फूले नहीं समा रहे हैं। मुझे याद है मैं इंडिया न्यूज में जब था तो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जब पास हुआ, ईडब्ल्यूएस भी ना कहें हम उसको, सवर्ण आरक्षण ही कहें क्योंकि वो सवर्णों के लिए ही है, तो बाकी लोग तो उसमें जा नहीं सकते। तो जब सवर्ण आरक्षण पास हुआ तो मेरे न्यूज रूम में तालियां बजा रहे थे लोग, खड़े होके पूरे सब के सब खड़े होके तालियां बजा रहे थे। वो सवाल नहीं कर रहे थे कि भाई बिना किसी डेटा के, बिना किसी थियरी के आप जो है 48 घंटे में आपने बिल पास करा दिया, कोई चर्चा नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, जबकि इतने सारे मुद्दे दूसरे थे उन पे कोई सवाल नहीं है। तो वो खुश हो रहे हैं बेसिकली कि उनके जो अभी जो उनका एजेंडा था उसको फुलफिल करने के लिए एक आदमी आ गया है और वो बहुत ब्लंट तरीके से उनके एजेंडे को पूरा कर रहा है, तो वो दे आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। और ये जो पूरा कानून है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स, ये 2009 में पास हुआ था, ये तो उस समय पे तो यूपीए की गवर्नमेंट थी, उन्होंने पास किया था। तो ये सारे जो कर्ब करने वाले जो लॉ हैं, वो यूएपीए हो, ये टाडा पोटा, ये तमाम इस तरह के जो कानून है, ये तो पहले की सरकारों में आए हैं। तो ये इनमें चरित्र में, नीयत में, काम करने के तरीके में कोई फर्क नहीं है,
वो चाहे मोदी सरकार हो या वो, हाँ ये जरूर है कि वो स्लो पॉइजन था, ये अब सीधा जो है साइनाइट हो गया है ना, आप चाटी और मर जाइए। तो अभी ये बस इतना फर्क है, जहर दोनों है, जहरीले दोनों विचार हैं, और उन्होंने बहुत तरीके से इसको पूरा कंट्रोल किया था। और अभी हम कांग्रेस को हम कहते हैं ना भाई, आप अभी चुनाव, ये चुनावी राजनीति के लिए और सियासी नफे नुकसान के लिए किसानों के आंदोलन में आप जो है कहते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, राहुल गांधी वहां पे श्रद्धांजलि देते हैं सदन में खड़े होके, उन्हीं की पार्टी लाई थी ना ये तीनों कानून, उन्हीं की पार्टी संसद में लेके आई थी। जब सुषमा स्वराज ने बोला था संसद में कि आरती जो है वो किसान का सबसे बड़ा उनका दोस्त होता है, जिसमें वो रात को 12 बजे उसका दरवाजा खटखटा सकते हैं, तो जब ये सत्ता में थे इन्होंने सारे वही काम किए, विपक्ष में थे तो विरोध कर रहे थे, आज विपक्ष में तो फिर से विरोध कर रहे हैं। तो ये दोनों पार्टियों में मायावती जी का जो कोट है नागनाथ और सांपनाथ, कांशीराम वो साहब जी का कोट है वो। हाँ, तो वो बहुत ही सटीक है एकदम से, नागनाथ और सांपनाथ जी हैं, जी और जी जी और ये शायद इसमें कोई शायद फर्क नहीं है। जी शायद अभी लोगों को मीडिया की जो बदमाशी है वो इसलिए समझ में आ रही है क्योंकि उनके पास अभी अल्टरनेटिव मीडिया अल्टरनेट है। आ गया, वैसे कि विकल्प बन जी गए ना। जी अब मैं नौकरी छोड़ के मेन स्ट्रीम मीडिया की अपना काम क्यों कर पाया, क्योंकि यूट्यूबर एक सोशल मीडिया का बना बनाया प्लेटफॉर्म हमारे पास में है, और मेरे जैसे तमाम लोग जो हैं अब अपने धीरे धीरे कोशिश करके अपना एक विकल्प बना रहे हैं। तो जो भी नेट एजेंडा सेटिंग होती थी पहले पूरा कंट्रोल्ड होता था, अब हम उसको चैलेंज कर रहे हैं, वी आर यू नो फाइटिंग, और हम बहुत टफ फाइट दे रहे हैं। ऐसी नहीं है कि छोटी जी मोटी बात है, हम जी नेशनल ट्रेंड्स बन रहे हैं, हम आंदोलन को लीड कर रहे हैं, हाथरस जैसी वारदात को हम पूरा राष्ट्रीय सुर्खियों में, इंटरनेशनल सुर्खियों तक ले जा रहे हैं। मैंने तो जापान से रिपोर्टिंग करी हाथरस कांड हुआ, जापान से, यूएस से हमारे लोगों ने रिपोर्टिंग की, वहां एम्बेसीज के बाहर प्रोटेस्ट किया। तो इतना हम लोग उसको बहुत टफ फाइट दे रहे हैं, और इसीलिए जी वो डरे हुए हैं कि यार ये तो बहुत आने वाले दिनों में अगर इनके हाथ में ये मोबाइल और इंटरनेट और ये फ्री हैंड रहा इनका, तो ये तो फिर रातों रात जो है ओपिनियन को इधर से इधर कर देंगे। तो दैट्स द चैलेंज। जी कुमार काले सर का क्या सोचना है इस पर, वो ये क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया अपने आप में कोई व्यवस्था नहीं है, मीडिया भी सिस्टम का ही एक पार्ट है, और जिन लोगों के द्वारा ये सिस्टम बनाया गया उन्हीं लोगों के द्वारा भारत का मीडिया भी चलाया जा रहा है। जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पार्लियामेंट हो, मीडिया हो, या जितनी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है, सारे सिस्टम के अंडर है। और सिस्टम पर चूंकि ब्राह्मणों का कंट्रोल है, तो वो सारी संस्थाओं का उपयोग अपनी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। इस देश में सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म की एक नौटंकी लगातार चलती रही, और इन्होंने ही अपने आप को मेन स्ट्रीम घोषित कर लिया। अब 85% लोगों के जिसमें कोई बात ही नहीं हो, वो मेन स्ट्रीम कैसे हो सकता? उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को मेन स्ट्रीम घोषित कर लिया। यही लेफ्ट हो गए, यही राइट विंग हो गए, और इन्होंने ही ये सारी बातें समाज के अंदर लाई कि भाई ये सारा हो। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के दौर में कम्युनल लाइन पर पत्रकारिता नहीं होती थी या प्रो गवर्नमेंट पर पत्रकारिता नहीं चलती थी। उस समय चूंकि एक अल्टरनेट मीडिया का ऑप्शन लोगों के पास में नहीं था, इसलिए लोगों को जो सुनने को देखने को मिलता था, लोग उसी को फॉलो करते थे। आज एक इंटरनेट का या सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया, और जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर साधारण आदमी को भी एक्सेस है, वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है। तो इससे इसकी प्रतिक्रिया साधारण लोगों तक पहुंच गई। मॉब लिंचिंग की घटनाओं का असर जो है, ये शहरों के पढ़े लिखे लोगों से भी नीचे आकर आज वो गांव देहातों में पहुंच गया है, और साधारण आदमी जिसका कभी भी इस्टेब्लिश प्रिंट मीडिया से कोई लेना देना नहीं होता था, ना वो अखबार पढ़ता था, ना कोई टीवी चैनलों के प्राइम टाइम के डिस्कशन सुनता था, वो भी व्हाट्सएप पर आई हुई फेक न्यूज को देखकर अपने गांव में ये मॉब लिंचिंग की घटनाएं करने के लिए उत्सुक हो रहा है, और उसको करके रिकॉर्ड करके डाल रहा है। शंभूलाल रायगढ़ की घटना आपने देखी होगी कि जब अपराजुल को उसने मारा तो उसका वीडियो रिकॉर्ड किया उसने। तो ऐसी ये घटनाएं आधारण से साधारण आदमी को, जिसको हम ये कहें कि जो गांव देहात में जो कम पढ़ा लिखा आदमी है, अनएजुकेटेड है, अंडर एजुकेटेड है, ऐसे आदमी तक भी वो पहुंच जाती है, और ऐसे आदमी को उकसा कर भड़का कर उससे सारी चीजें करवाई जा रही। ये उसकी ग्रेविटी जो है वो बहुत नीचे के स्तर पर लाकर रखी गई, ताकि उसको एक्सप्लॉइट किया जाए, उसका इस्तेमाल किया जाए।
और मीडिया चाहे आज की हो या उस समय की हो, एक काम बड़ी चालाकी से करती रही है कि इशू को नॉन इशू बनाती रही है और नॉन इशू को इशू बनाने का काम करती रही है। तो आज आपके जो इश्यूज है वो सारे गायब, कांग्रेस के जमाने में भी ये होता रहा था। उस समय जब 2011 में कांग्रेस की सरकार थी और सेंसस का मुद्दा जब चला था तो उस समय मीडिया ने यही छान लिया था, और उस समय मीडिया ने अन्ना हजारे के द्वारा चलाए गए जो आंदोलन है उस आंदोलन को बहुत बड़ा खड़ा किया। आपको याद होगा कि निर्भया के मामले में भी सबसे ज्यादा कवरेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में दिया गया था। टाइम्स ग्रुप ने ही ये नाम निर्भया दिया था, मगर उसी टाइम्स ने जब खैरलांजी की घटना हुई थी और एक अमेरिकन रिसर्च स्कॉलर जो थी सबरीना, जिसने इस इवेंट को कवर किया था, उसकी पहले पेज पर खबर छापी थी, तो टाइम्स ने उसको अपने ग्रुप से निकाला। तो एक ही इशू पर जब निर्भया पर बलात्कार होता है तो उसको बड़ा कवरेज देने का काम मीडिया करता है, उसको न्याय देने की बात कहता है। मगर उस समय कांग्रेस के पीरियड में भी जब SC ST के ऊपर एट्रोसिटीज होती थी, मुस्लिमों के ऊपर के जो राइट्स होते थे, उस समय भी यही बात होती थी और उनको प्रोटेक्ट करने का काम जो है एक कांग्रेस के समय की भी जो मीडिया थी वो करती रही थी। आज हाँ, ये बात अलग है कि मीडिया के लोग खुलकर कम्युनल एजेंडा लेकर सामने आए हैं, मगर उस समय वो जो है वो छुपा हुआ जो कम्युनल एजेंडा है वो लेकर चलते थे। पर आज जैसे आपने कहा कि लोगों को इस्टेब्लिश मीडिया का जो चरित्र है वो समझ में आया है, मगर उनको ये चरित्र समझ में नहीं आ रहा कि ये दोनों एक ही है। और दूसरी बात, जैसे सोशल प्लेटफॉर्म की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी आज हम ये देखते हैं, जैसे ऑक्सफैम के भी रिपोर्ट में बात कही कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी जो है बहुत बड़े पैमाने पर अपर कास्ट लोगों का ही उस पर कब्जा है, सवर्णों का ही कब्जा है। बहुत सारी ऐसी जो सोशल साइट्स है उसके ऊपर उन्होंने अपना एक एकाधिकार बना के रखा, उस सोशल मीडिया को भी उन्होंने कंट्रोल करने के लिए अपने अपने तरीके बना के रखे हुए ताकि आपको एक्सेस उसमें भी ना मिले। मगर चूंकि अब एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं, इस वजह से हमारी जो मौजूदगी है उससे वो इनकार नहीं कर पा रहा। और आने वाले समय में चूंकि हमारा बेस बहुत बड़ा है और हम लोग एक सच्ची जर्नलिज्म वाली बात कह रहे हैं जो लोगों के दिल को छूती है, लोगों के दिमाग को साफ करती है, और फैक्ट और फिगर के साथ में जब हम कोई बात उठाती है तो वो लोगों में बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर चर्चा में आती है, और भविष्य में यही एक विकल्प लोगों के सामने खड़ा होगा। इसको ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है और ये हो रहा है, इसी के डर की वजह से उसको रेगुलेट करने की बात चलाई जा रही है। वरना अगर बीजेपी को, सरकार को मीडिया अगर रेगुलेट करना होता तो उनके ही गलत इरादों से ये सारा मिसप्रोपेगेंडा हो रहा है, तो उसके ऊपर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 2000 के नोट में चिप रखी जाती है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलवामा के सिगरेट नोट्स व्हाट्सएप के चैट होते, उसके ऊपर कोई NSA नहीं लगाया जाता, मगर एक स्टैंड अप कॉमेडियन को कोर्ट में खींचा जाता है, उसके ऊपर कंटेम्प्ट की केस चलाई जाती है। तो ये क्यों हो रहा है? ताकि जो विरोध वाला जो आवाज है, आज जो छोटा सा आवाज है, कल वो इस मीडिया के प्लेटफॉर्म से बड़ी आवाज बन सकता है, तो उसको रोका जाए। इसके लिए ये सारी बातें चलाई जा रही है। और मीडिया के विरोध में जैसे कांसराम जी एक शब्द इस्तेमाल करते थे कि मीडिया एक साथ दो चीजें करता है, एक तो ब्लैकमेल करता है या तो ब्लैकआउट करता है, तो SC ST BC की खबरों को, उनके जेन्युइन इश्यू को ब्लैकआउट करता है, और जो हमारी जो लीडरशिप है जो थोड़ा बहुत बोलने की बात करती है या जो उसको लीड करने का काम करती है उसको ब्लैकमेल करने का काम करता है। इस वजह से संसद के अंदर भी जो हमारे SC ST BC के नेता है जिनके पास बोलने की औकात है, हिम्मत है, बोल सकते, मगर वो भी बोलने से डर रहे। प्रकाश जावड़ेकर के विरोध में भी बोला गया, प्राइवेट में जो बात आई वो जिस तरीके से प्रकाश जावड़ेकर तो उनके सिस्टम का ही पार्ट है, मगर एक नॉर्थ इंडियन ब्राह्मीण और महाराष्ट्रीय ब्राह्मीण में भी जो अंतर है वो भी खुलकर सामने आए। एक प्रकाश जावड़ेकर कैबिनेट मिनिस्टर जो उनके ही विंग का है उसके विरोध में भी बात बोली जाती है, फिर भी प्रकाश जावड़ेकर कुछ नहीं बोलते। अब जब प्रकाश जावड़ेकर की बोलने की हिम्मत नहीं है तो बाकी लोगों की क्या परिस्थितियां होगी? और ट्रोलर्स का तो उन्होंने इतना मामला खड़ा किया है कि उनके अपने नेता ट्रोल के जाल में फंस रहे हैं, इस वजह से उनको कंट्रोल करने के लिए सरकार के तरफ से कोई ऐसी बात नहीं उठाई जा रही है। अब इसमें एक बात ये हो रही है कि जो बड़ी बड़ी एजेंसियां जो है जो इसमें शामिल है, सरकार के इशारे पर वो काम कर रही, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, ये भी बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, तो
बिजनेस कराने के नाम के लिए वो बहुत सारी सरकार के हमें हाँ मिलाने के काम कर, इस पर भी बहुत ज्यादा आवाज उठाने की जरूरत है। ट्विटर को हमने बहुत बार एक्सपोज करने की कोशिश की, ब्लूटिक का जो मामला है, चाहे फेसबुक की तरफ से भी हमारे लोगों के अकाउंट को लॉकआउट करने का या उसको रोकने की जो बात होती उसकी विरोध में भी एक बड़ी आवाज उठाने की जरूरत है। जी, और लोकतंत्र में संकेत जी इंफॉर्मेशन जो है एक करेंसी की तरह काम करती है, कि जो सभ्य समाज है वो सूचनाओं पर चलता है और जिसका सूचनाओं पर नियंत्रण होता है वही लोकतंत्र को चलाने का काम करता है। जी जी कुमार काले सर ने जो बात कही वही मेरा सवाल है और ये अंतिम सवाल है इस चर्चा का दोनों से, दोनों मान्यवरों से है कि डिजिटल मीडिया जिसको हम लोग एक विकल्प के तौर पर देख रहे थे, ऑक्सफर्म की ये रिपोर्ट है कि 84.2% की पोजीशन जो है, लीडरशिप पोजीशंस, वो अपर कास्ट के पास है, ब्राह्मण और तत्सम ऊंची जाति के लोगों के पास है। तो जिस मीडिया को, जिस प्लेटफॉर्म को हम लोग विकल्प के तौर पर देख रहे थे वहां पर भी उनका ही नियंत्रण हो गया है, और सोशल मीडिया की जो चलाने वाली कंपनियां है वो भी सरकार के प्रो गवर्नमेंट ही उनका डिसीजन होता है या प्रो गवर्नमेंट ही वो काम करती है क्योंकि उनको उस देश में बिजनेस करना होता है। सुमित चौहान जी ने भी कहा कि पहले वो बिजनेस करने के लिए उन्होंने कंपनी बनाई, और बिजनेस का पहला एम ये होता है कि प्रॉफिट कमाना, तो घाटे में चलाने के लिए तो उन्होंने कंपनियां नहीं बनाई हैं। ये बात अलग है कि बहुजन समाज ने उसका अपने फायदे के लिए, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए उपयोग किया है। लेकिन अब दोनों मान्यवरों से मेरा सवाल है, और जो हमारे व्यूअर्स है, देखने वाले सुनने वाले जो लोग हैं उनसे भी ये सवाल है कि अब इसका विकल्प क्या है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, उस पर पहले ही ब्राह्मण बनिया का नियंत्रण बन चुका है, डिजिटल मीडिया विकल्प के तौर पर देख रहे थे उस पर भी उनका नियंत्रण बनने जा रहा है, तो अभी हमारे पास बहुजन समाज के पास विकल्प क्या है? सुमित चौहान जी। जी देखिए, कुमार काले साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि किस तरह से वो स्वरूप बदल के चरित्र उनका वही रहता है। सोशल मीडिया क्योंकि एक व्यवसायिक कंपनी है, उसके अपने व्यवसायिक हित हैं और वो उसी तरीके से काम करती हैं। आप देखिए तमाम जो सोशल मीडिया की साइट्स हैं वो आपकी डेटा की चोरी करती हैं, आपकी मूवमेंट पे नजर रखती हैं और फिर उसका सौदा करती हैं, बेसिकली वो डेटा बेच देती हैं। और आजकल दुनिया भर में ये बदनाम संस्थाएं हैं जो सोशल मीडिया हैं, ये इसको लोकतंत्र का विरोधी एक टैग दिया जा रहा है कि क्योंकि ये एक खास वर्ग के प्रति, एक खास पार्टी के प्रति इनका झुकाव है। और उसी तरह का, अब जैसे देखिए मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे लगातार मुझे बार बार बीजेपी का अगर एड दिखाते रहेंगे या उसका कोई वीडियो मेरे को दिखाते रहेंगे, वो सोशल मीडिया की तरफ से आता रहेगा, तो हो सकता है मैं देख के उससे प्रभावित हो जाऊं और फिर मेरा ओपिनियन जो है उनकी तरफ सिंपैथेटिक हो जाए। तो इस तरह का वो काम वो कर रहे हैं। और डेटा चोरी का तो खुलेआम आरोप लगा है, हमने देखा कि 2019 के चुनाव के समय पे चौकीदार शब्द को कैसे रीनेम किया गया ट्विटर पे, और जबकि ट्विटर कहता है कि अगर आप अपना यूजर नेम और हैंडल जो है उसको चेंज करेंगे तो फिर वेरिफिकेशन बैज आपका छिन जाएगा, लेकिन उनका नहीं छिना उन्होंने, है वो सामने आया। अंकी दास का उदाहरण फेसबुक से सामने आया कि कैसे उन्होंने बीजेपी विधायक जो है उनपे कार्रवाई करने से मना किया, अभी फिर से रिपोर्ट आई कि बजरंग दल पे कार्रवाई करने से मना किया फेसबुक ने कि इन पे मत करो। तो वो सारे पॉलिटिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ उनके एफिलिएशंस है, और वहां पे भी जो लोग बैठे हुए हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि ट्विटर इंडिया, फेसबुक इंडिया, यूट्यूब इंडिया या गूगल के जो लोग हैं, इस तरह की जो तमाम जो टेक्नो कंपनियां हैं उनके जो लोग हैं इंडिया में, एशिया में, वो लोग कौन हैं, वो कौन बैठे हुए हैं? आप उनका देखिए, वो जनेऊ जो है अंदर छिपा के बैठे हैं अपनी शर्ट के, तो वो लोग वही हैं। और अभी आप अपना यूट्यूब पे देखिए, हमारे जो कोई वीडियो आप डालेंगे, ज्यादातर हमारा कंटेंट आता है एस सी एस टी ओबीसी से जुड़ा हुआ, हमारे एट्रोसिटीज के तमाम खबरें आती हैं, हम उसको कवर करते हैं, तो वो तुरंत उसको बोलेगा इट इज नॉट सुटेबल फॉर मोनेटाइजेशन, एडवर्टाइजमेंट नहीं देता है। आप उसको जब मैनुअल रिव्यू के लिए डालेंगे तो मैं सोचता हूँ कि इसको मैनुअल रिव्यू करने वाला वहां बैठ के कौन देख रहा होगा, वो आदमी कौन होगा जो इसको वहां बैठ के देख रहा होगा इस वीडियो को, और हमारा जब नाम देखेगा शूद्रा MNTV तो वो बोलेगा कि नहीं, इनका तो तुरंत मैं नहीं करूंगा। तो वहां पे बैठने वाले लोग भी कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। और इन सोशल मीडिया की कंपनियों से भी हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपके जर्नलिज्म के लिए कंपनियां नहीं बनाई हैं, वो बिजनेस मॉडल पे काम कर रही हैं, तो आपने तो बस उनका साइड इफेक्ट, एक उनका साइड इफेक्ट है ये बेसिकली। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जर्नलिज्म के लिए होगा, हम लोग कर रहे हैं उसका। तो हमें इसका एक विकल्प के तौर पर देखिए, अभी क्योंकि हम उतने सशक्त नहीं है, मैं
चाहता हूं कि भारत में जो बहुजन समाज के जो आईटी सेक्टर के लोग हैं या कुछ उद्योगपति हैं, वो अपना खुद का एक कोई ऐसा मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया ओटीटी प्लेटफॉर्म, या फिर कोई ऐप या सोशल मीडिया की कुछ मैसेंजर, कुछ इस तरह का कुछ डेवलप करें, और वो जिस पे हमें भरोसा हो कि यार ये आदमी तो कम से कम वो कानून के, जाहिर जाहिर सी बात है कि वो कानून के दायरे में ही रहेंगे, भारत सरकार के कानून, संसद के बनाए हुए कानूनों का पालन करेंगे, लेकिन हमें ये तो मालूम होगा ना कि यार ये कम से कम यूट्यूब की तरह, फेसबुक की तरह हमको बेवकूफ नहीं बनाएंगे, और वो बहुत स्मार्टली जिस तरह से हमारा डेटा का मिसयूज करते हैं, हमें एक खास विचारधारा के प्रति धकेलने की कोशिश करते हैं, तो वो एक पूरे षड्यंत्र का हिस्सा है। तो उसके विकल्प के तौर पे यदि हमारे यहाँ से कुछ लोग इस तरह का काम कर सके, तो मेरी सबसे गुजारिश है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये स्पेस भी हमारे लिए बंद हो जाएगा। जिस तरह से टीवी और प्रिंट के रास्ते हमारे लिए बंद हैं, हमारी वहां पे खबरें नहीं होती हैं, अनलेस एंड अंटिल आपका बलात्कार हो जाए, आपकी सामूहिक हत्या हो जाए, या कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा कांड हो जाए जिसको बड़े चटकारे लेते हुए जो न्यूज रूम के जो सवर्णा एंकर्स हैं क्लब है वो उसको एंजॉय करते हुए, चाय कॉफी पीते हुए उस पर डिस्कशन करते हैं, तो वो उनके लिए वो चीजें हैं। लेकिन जैसे अभी देखिए 2021 है, जातिवाद जनगणना का मुद्दा गायब है, तमाम आंदोलनों के चक्कर में और इन सब के चक्कर में हमारे मुद्दे गायब हैं। है, कास्ट बेस्ड सेंसस की हमारी कोई बात नहीं हो रही, बजट में कटौती कर दी, जो SC ST OBC के फंड का एलोकेशन था उस पे बात नहीं हो रही, किसी मीडिया उसने नहीं छापा। हमारी स्कॉलरशिप स्कीम पोस्ट मैट्रिक जो है केंद्र सरकार ने उसका हिस्सा रोक दिया था, अभी फिर से सुचारू हुआ है पिछले दिनों, लेकिन 3 साल तक उसका फंड ही नहीं दिया मोदी सरकार ने, तो वो उसकी जिक्र नहीं होता है। तो इस तरह के जो हमारे मुद्दे हैं वो उसमें नहीं होते, और इसका हम लोग आवाज सोशल मीडिया के जरिए बना लेते हैं, रिपोर्ट लिख देते हैं, अपनी वेबसाइट पे बना के छाप देते हैं, और इस पे भी जब एक लगाम आ जाएगी, इस पे भी कंट्रोल करने की कोशिश हो जाएगी। देखिए हम लोग तमाम, मैं ये बात बिल्कुल दोहराना चाहूंगा कि हम उस व्यक्ति की मानस संतान है जिसने इस देश के कानून को बनाया है, संविधान को जिन्होंने ड्राफ्ट किया है, तो हम उस देश के उस व्यक्ति के मानस संतान हैं, और हम लोग हमेशा कानून का सम्मान करते हैं, हम जो लैंड ऑफ रूल ऑफ द लैंड है हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हम कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करते। तो आपके कानूनों से हमें डर नहीं है, हमें आपकी मंशा से डर है कि आपकी जो मंशा है ना उससे कहीं ना कहीं हमको नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी, हमको कंट्रोल करने की कोशिश होगी। और तमाम जो जुडिशरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पार्लियामेंट में देखिए 125 सांसद होने के बाद भी धड़ल्ले से बिल अपने पास हो जाते हैं, हमारा आदमी हमारे नाम पे वोट लेके चला गया लेकिन वहां पे जाके बात नहीं करता है। तो एक बड़ा अंधकार में एक दौर है ये, कि भविष्य क्या होगा अगर ये अभी मेरे YouTube अकाउंट को बंद कर दें, हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर, 5 लाख सब्सक्राइबर गायब हो जाएंगे, हम फिर से वहां पे बात नहीं कर सकते, मेरे ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दें, फेसबुक पेज का रीच कम कर दें, हम अब बिल्कुल मेरे फेसबुक पेज की अभी भी रीच कम है, मैं कुछ लिखता हूँ तो वो दिखता ही नहीं है लोगों को, लोग फोन आते हैं करते हैं कि यार तुम एक्टिव नहीं हो आजकल फेसबुक पे, सब ठीक है, तबीयत ठीक है, कोरोना काल में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मैं बताता हूँ कि यार मैं तो लगातार लिख रहा हूँ, लेकिन वो रीच कम कर दिया है, वो आप तक जा नहीं रहा है। तो एक कंट्रोल्ड वाली सिचुएशन जरूर है, हमें अभी देखिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म तो जाहिर सी बात है कि हम लोग कैसे खड़ा कर पाएंगे, एक चैलेंज है, लेकिन अगर गुंजाइश हो लोग कर सकें, अपने OTT प्लेटफॉर्म्स बना सके, अपने मोबाइल ऐप बना सके, अभी थोड़ा थोड़ा तकनीक भी सस्ती है, थोड़ी तकनीक का भी डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है, तो अभी हम लोग भी अपने लेवल पे एफर्ट्स कर सकते हैं, अपनी चीजों को एक दिशा दे सकते हैं, अदरवाइज फिर आने वाले दिनों में जिस तरह से रास्ते बाकी जगह बंद हो गए हैं, यहाँ पे भी हमारे लिए बंद हो जाएंगे। जी बिल्कुल, कुमार काले सर। संकेत जी, इसमें दो तीन बातों का जो चौहान जी ने कहा उसी के लाइन में मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि विकल्प जो है वो आज की स्थिति में सोशल मीडिया को ही अलग अलग तरीके से हम लोगों को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। जाहिर है कि फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या ट्विटर हो, या जो भी सोशल मीडिया जिसको हम कहते हैं, ये कोई साधु संतों का एजेंडा लेकर तो भारत में नहीं आए। पैसा कमाना है तो उनको सरकार के साथ में ही चलना होगा, तो सरकार के साथ में चलकर ही उन्होंने इतनी सारा पैसा कमाया। मगर चूंकि उनकी एक मजबूरी भी ये है कि जिन लोगों के माध्यम से वो पैसा कमाते हैं, जो उनका फॉलोअर है या जो उनको यूज करने वाला जो है, बड़े पैमाने पर सब्सक्राइबर जो है हमारे अपने जी, उसके ऊपर भी बहुत कुछ बातें उनकी निर्भर है। आज जैसे फेसबुक ने और व्हाट्सएप ने अपनी पॉलिसी में बदलाव करने की बात कही कि भैया हम इसका कमर्शियल के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने असली जो
दांत है वो बाहर निकालने का काम किया, जैसे हम कहते हैं कि हाथी के खाने के दांत कुछ अलग थे और दिखाने के दांत कुछ अलग थे, तो उन्होंने अपना असली कमर्शियल जो एजेंडा है वो सामने लाया। अब इसमें हमारे पास जो साधन संसाधन उपलब्ध हुआ है इसका, सोशल मीडिया का, इसको आधार बनाकर या जो टेक्नोलॉजी का जो विकास हो रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करके भविष्य में हमें अपने विकल्प तैयार करने के बारे में सोचने की जरूरत है। ये जो कुछ नए कानून बनाए जा रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि जो विकल्प खड़ा हो रहा है उस विकल्प को रोकने की तैयारी पहले से की जा रही है। जो कानून जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं या जिस तरीके से उसकी लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ ड्राफ्टिंग है, वो ये एक तरफ से इशारा भी किया जा रहा है कि जो भविष्य में अगर कोई ऐसा विकल्प खड़ा होता है तो उसको पहले से रोका जाए, या तो उसकी उपस्थिति ना हो, या अगर कोई बनता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या तरीका अपनाया जाए, ये भी सरकार के द्वारा खड़ा किया जा रहा है। मगर टेक्नोलॉजी जो है ये किसी की मोहताज नहीं होती, बुद्धि प्रतिभा किसी के नियंत्रण में नहीं है, बहुजन समाज ये प्रतिभा का बहुत बड़ा धनी है, और हम एक ऐसी उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में बहुत बड़ा विकल्प के तौर पर हमारे समाज से ही कुछ ऐसी बातें उपलब्ध होगी, जैसे अभी चौहान जी ने कहा कि मोबाइल ऐप है, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें हमारे लोग जो है वो सोचने का काम करें, बहुत सारे ऐसे टेक्नोक्रेट्स है हमारे समाज के जो इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। जर्नलिज्म के लिए हम लोग अपने समाज को तैयार करने का काम कर रहे हैं, मगर जो टेक्नोक्रेट जो है जिनके पास ये हुनर है उनको इस काम के लिए पहल करने की जरूरत है, और उसमें भी बहुत सारी प्रतिभा इस काम में लगी है। इसी वजह से तो एक अल्टरनेट मीडिया हमारा खड़ा हुआ, नहीं तो कल तक जो बहुजन समाज केवल सब्सक्राइबर था, आज चैनल चला रहा है, लाखों के उसके सब्सक्राइबर है और एक थ्रेड बना हुआ है सिस्टम के लिए। ये भी केवल हमने 3-4 सालों के अंदर ही किया है, खासतौर पर ये लॉकडाउन के पीरियड में जब लोगों को मोबाइल पर बैठने का मौका मिला तब उन्होंने सारी बातें की है, तो आने वाले समय में इसे भी और ज्यादा उम्मीद जो है हमारे लिए खड़ी हो सकती है। मगर तब तक जो विकल्प हमारे पास है उसका मैक्सिमम उपयोग करके हमें अपनी बात उस पर करने के लिए बड़ी मजबूती के साथ इस मीडिया का उपयोग करने की जरूरत जी। तो इस नोट पर हम लोग ये आज की ये चर्चा खत्म करते हैं कि आने वाले समय में बहुजन समाज खुद का एक प्लेटफॉर्म खड़ा करेगा, वो ना फेसबुक पर डिपेंड होगा, ना यूट्यूब पर डिपेंड होगा, ना ट्विटर पर, खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। 85% की आबादी है, तो उस आबादी में से 10-5 लोग अगर टेक्नोक्रेट्स अगर मिलते हैं तो एक विकल्प बहुजन समाज को दिया जा सकता है। जैसे वो कहते हैं कि स्वदेशी का ये करना चाहिए, तो हम भी कहेंगे कि बहुजन समाज ने जो बनाया है, मूलनिवासी समाज ने जो बनाया है, उसका हमें ज्यादातर उपयोग करना है। और जब तक ये नहीं होता तब तक हमें जो साधन हमारे साथ पास है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, उन्हीं साधनों का उपयोग करते हुए हमें ये लड़ाई जारी रहनी है। लेकिन निर्भर इन पर नहीं रहना है, हम हमारा विकल्प ढूंढने के लिए हमें तैयार रहना होगा। तो इस नोट के साथ, इस पॉजिटिव नोट के साथ आज हम इस चर्चा को विराम देते हैं, यहीं पर ये चर्चा समाप्त करते हैं। हमारे जो दर्शक है उनके पास अगर कुछ इसके बारे में सुझाव है कि हम किस प्रकार से बहुजनों का अल्टरनेटिव मीडिया, खुद का स्वतंत्र मीडिया खड़ा कर सकते हैं, इसके बारे में अगर आपके पास कुछ सुझाव है, कुछ आइडियाज है, तो हमसे वो जरूर शेयर करें। इसके अलावा MNTV की ये जो सीरीज चल रही है थॉटकास्ट की, उस सीरीज में आप और कौन से मुद्दों पर जानकारी चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि MNTV ने इन मुद्दों पर चर्चा करके आपको जानकारी देनी चाहिए, तो सुझाव के तौर पर भी आप ये मुद्दे लिख सकते हैं। द न्यूज बीक नाम का जो चैनल है, पहले वो दोशूद्रा था सुमित चौहान सर का, उस चैनल की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे ताकि आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और उस चैनल पर भी जो वीडियो सर बनाते हैं, जो जानकारी आपको देते हैं, वो जानकारी आप ग्रहण करने का काम करें। सुमित चौहान सर का मैं फिर एक बार आभार व्यक्त करता हूँ, और उसके साथ में ही कुमार काले सर का भी आभार व्यक्त करता हूँ। शुक्रिया।